बात बीजेपी की ही करेंगे, लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर मचे घमासान की। असंतोष की आंधी ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को भी घेरे में ले लिया है। कार्यकर्ता सीधे लखनऊ जा पहुंचे और केशव प्रसाद मौर्य की गाड़ी के आगे लेट गए। जब कार्यकर्ता ही रोड़ा बनेंगे तो बीजेपी की गाड़ी आखिर आगे कैसे बढ़ेगी, सबसे बड़ा सवाल है। टिकट बंटवारे पर बीजेपी का तमाशा, लखनऊ में शुरू हुआ सिर्फ टव्वल, केशव के सामने ही मच गया बवाल। टिकट बंटवारे से बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी। टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी में शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। विधानसभा दर विधानसभा विरोध के स्वर बुलंद हो रहे हैं। अब तो कार्यकर्ताओं की नाराजगी लखनऊ तक पहुंच रही है और प्रदेश अध्यक्ष को ही कार्यकर्ताओं के कोप का भाजन बनना पड़ रहा है। विरोध की फेरिस्त में पार्टी कार्यालय में बाराबंकी के रामनगर से बीजेपी कार्यकर्ता बाबूराम द्विवेदी और हैदरगढ़ विधानसभा से तीन बार विधायक रह चुके सुंदरलाल केशव प्रसाद मौर्य की गाड़ी के आगे लेट गए और उनके समर्थक नारेबाजी करने लगे। केशव प्रसाद मौर्य के समझाने के बाद भी प्रदर्शनकारी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उनका कहना है कि उनके साथ अन्याय हुआ। बंटी में 6 सीटों पर जो टिकट दिए गए हैं दल बदलुओं को, अवसरवादियों को पैसा के आधार पर दिए गए, भाजपा के ओरिजिनल आदमी टिकट नहीं दिए गए, इसका मैं विरोध करता हूँ। इसके अलावा प्रदेश कार्यालय में सीतापुर के लहरपुर से दीपक सिंह दीपू टिकट मांग रहे थे। वो और उनके समर्थक पार्टी कार्यालय में धरने पर बैठ गए। यहाँ से बीजेपी ने सुनील वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। दीपक सिंह का आरोप है कि सीतापुर सांसद राजेश वर्मा ने उन्हें पैसा देकर टिकट दिलवाया है। लहरपुर विधानसभा की जनता के साथ अन्याय हुआ है और जीती हुई सीट को ठोकर मार दिया गया है और यह सिर्फ हमारे यहाँ के सांसद राजेश वर्मा जो बसपा से आए हैं, उन्होंने यह काम 9 की 9 विधानसभा में बसपा को जिताने के लिए यह फैसला करवाया है पार्टी से। दीपक भैया को पर्चा दिया जाए, राजेश वर्मा उनका पर्चा बेच लिया है। सांसद हैं, किस तरह से बेचा गया? अब यो भगवान जान सके, राजेश वर्मा की आत्मा जान सके। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मांगों को सुना जाएगा और उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश की जाएगी। भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनकी पीड़ा जो है उससे मैंने सुना है। मैं इसे राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचाने का काम करूंगा, प्रयास करूंगा। जहां कहीं कोई अगर कुछ बदल सकता है तो बदलवाने की कोशिश करूंगा, अन्यथा सारे कार्यकर्ता हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता है कि उनका मन ठीक रहे और वह पार्टी को मजबूत करने में अपना उसी प्रकार से योगदान दे। और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक एक कार्यकर्ता कमल खिलाने के लिए लगा है। ऐसे में टिकट पर शुरू हुआ टकराव बीजेपी की परेशानी बढ़ा सकता है। विरोध का स्वर अब सीधे आलाकमान तक पहुंच रहा है और भीतर घात की आशंका भी बढ़ रही है। देखना होगा बीजेपी इससे कैसे निपटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।